राधे राधे मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज मैं सुनाऊंगी शुक्र प्रदोष व्रत की व्रत कथा। हर माह में आने वाले प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। शुक्र प्रदोष की पूजा, प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। तो चलिए सुनते हैं सोम शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में तीन मित्र रहते थे। एक राजा का पुत्र था, दूसरा ब्राह्मण का और तीसरा धनिक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना नहीं आया था। एक दिन दोनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपने पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। जब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा के नहीं लाना चाहिए, लाना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन धनिक पुत्र ने उनकी एक बात भी नहीं मानी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने भी उसे काफ़ी मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उसकी ज़िद को मानना पड़ा और उन्होंने अपने कन्या की विदाई कर दी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया, बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे, वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी घोर संकट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाए तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 बार 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें, उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष का व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास महत्व माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत को करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो बोलिए हर हर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, राधे राधे।